हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं मैं आईटीटीआई की इस प्लेटफॉर्म से लिम्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। लिम्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का जो एक्रोनिम है, इसका जो फुल फॉर्म बनता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। तो ये फाइनल लास्ट जो है मेरे पास इसका वर्जन मौजूद है। फाइनल लास्ट वर्जन बहुत ही कम लोगों के पास मौजूद है क्योंकि ये पेड हो गया है। तो पेड में आप यही कर सकते हैं कि आप वहाँ से अगर इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहें तो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। PLA की वेबसाइट से आप लोगों को ये मिल सकता है, और अदरवाइज़ आपको फाइल हिपो से भी आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कई जगहों से आपको ये फ्री भी अवेल हो जाएगा। मैं आपको लिंक फ्राहम कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे और अब इसे प्रैक्टिस कर सकेंगे। लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। आप इससे बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और अगर किसी लाइब्रेरी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम लोग चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तरफ, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रन करता है। तो इसके अंदर हम लोग यही चीज़ है कि हम लोग यहीं से शुरू करेंगे इस सॉफ्टवेयर को। तो ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा फॉर्म हैं कि बताने के बुक इशुएंस मी टू मी फॉर्म, यानी कि जो आपको इशू हुई है, इशुएंस स्टेटस, ऑनलाइन कैटलॉग, अप्रूवल फॉर्म, यहाँ पे इतने फॉर्म हैं कि मैं आपको इसकी कैटेगरी किसी एक ही दिन में नहीं दिखा सकता, एक ही लेक्चर में नहीं दिखा सकता। तो जस्ट हम आज आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री के बारे में बताएंगे कि डेटा कैसे इंटर करना है आपने, ठीक है, और आपको दिखाएंगे भी डेटा कहाँ पे इंटर हुआ है। तो आज आपको किसी एक बुक की एंट्री के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक बुक इंटर कर सकते हैं। तो अगली इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपको सर्च करना बताएंगे कि किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं अपनी बुक को। अगर आपने कोई बुक चेक करनी है कि आपके पास मौजूद है या नहीं है लाइब्रेरी में, अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछने के लिए आता है कि हमारे पास ये बुक नहीं है या हमें बुक चाहिए है, तो आप ये हमें प्रोवाइड करें, तो आपको वो नाम बताएगा, तो आप नाम से या उसके जो सब्जेक्ट से या उसके ऑथर से उस बुक को ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो फिलहाल आज हम सीखेंगे कि डेटा एंट्री कैसे करनी है, कि एक बुक को इंटर कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गया जी हमारे पास टाइटल। टाइटल में हम लोग लाइब्रेरी साइंस का कोई टाइटल चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल के अंदर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि किसी कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। हम लोग चेक कर लेते हैं लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। सब टाइटल में आप लोगों को लाइब्रेरी लिख देते हैं, चलें लाइब्रेरी लिख दिया। टाइप क्या है जी, बुक है। यहाँ पे देखें और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बुक भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, CD भी आ रही है, लेकिन हमें बुक की एंट्री करनी है। तो बुक की एंट्री कर सकते हैं हम लोग। ऑथर कौन है जी, ऑथर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अली रजा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सब ऑथर का ऑप्शन भी है, यानी कि अगर कोई दूसरा ऑथर है या कोई दूसरा बंदा है जो कि इस किताब को लिखा हुआ है जिसने, या जो भी इसका लिखारी है किताब का, तो आप उसको बड़े आसानी से इस यहाँ पे सब ऑथर के अंदर भी लिख सकते हैं। सब ऑथर अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं ना भी लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब ऑथर में चले हम लोग लिख देते हैं फलक, फलक शेयर लिख देते हैं, ठीक है। एक्सेशन नंबर कोई भी आप उठा सकते हैं। एक्सेशन रजिस्टर के बारे में आपको पता होगा, एक्सेशन रजिस्टर जो होता है वहाँ पे एक्सेशन नंबर दिया जाता है, जो कि आप के लाइब्रेरी का सबसे बड़ा और मेन पॉइंट होता है एक्विजिशन का। तो एक्सेशन नंबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक्सेशन नंबर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 444 लिख देते हैं। इसकी प्राइस क्या है जी, प्राइस क्या है बुक की, प्राइस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, प्राइस लिख देते हैं जी 380 रुपीज़ लिख देते हैं। आज की डेट ये देखें 27 अप्रैल 2022, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 27 अप्रैल 2022 को ये एंट्री हो रही है। DDC का नंबर लिख देते हैं, DDC का नंबर लिख देते हैं 90.92 लिख देते हैं, ठीक है। 92 पाकिस्तान का है और 020 जो है वो लाइब्रेरी साइंस का है नंबर, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑथर मार्क आ जाता है। ऑथर मार्क के अंदर आप या तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे अली रजा लिखा गया है, यहाँ पे AR लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर लास्ट के तीन वर्ड लिख सकते हैं, AZA भी लिख सकते हैं।
तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि ए जी ए लिख देंगे हम लोग, ए जी ए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है पब्लिशर। पब्लिशर कौन है जी? पब्लिशर कोई भी हो सकता है, किसी भी इदारे से रिलेट कर सकता है, या कोई यूनिवर्सिटी का प्रेस भी हो सकती है, और जिसने पब्लिश किया है, लाहौर से पब्लिश हुई, इस्लामाबाद से पब्लिश हुई, या फैसलाबाद से पब्लिश हुई, मुल्तान से पब्लिश हुई, जहाँ से भी बुक पब्लिश हुई है वहाँ पे उसका पब्लिशर लिखा जाएगा। पब्लिशर का जो नाम होगा या पब्लिशर का जो इदारे का नाम होगा वो लिखा जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं माइट, माइट पब्लिशर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख दिया है माइट पब्लिशर, एज ए एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया है। प्लेस कौन सी है जी? प्लेस हम लोग चले ठीक है कोई भी लिख लेते हैं, इस्लामाबाद लिख लेते हैं। इस्लामाबाद। ईयर कौन सा है जी? ईयर 2022 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ये स्कोर नहीं है, सोर्स है, सॉरी। सोर्स के अंदर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि कौन सा क्या हिसाब किताब है, कि सोर्स के अंदर जो चीज़ें लिखी जाएंगी कि बुक आपको किस सोर्स से मिली है, आया ये तोहफ़तन मिली है, या फिर आपने इसको ख़रीदा है, बाय किया है, या किसी ने आपको एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि सोर्स क्या है। तो हम यहाँ पे एज ए बाय लिख देते हैं, बाय किया है हम लोगों ने। एडिशन अगर कोई है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन टू एंडी लिख देते हैं हम लोग, ठीक हो गया। वॉल्यूम कितना है, कितनी कॉपियां हैं इसकी आपके पास, अगर आप कितनी कॉपियां आपने लिखी हैं या कितनी कॉपियां आप लोगों ने ख़रीदी हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम इसका लिख सकते हैं हम लोग के वॉल्यूम कितना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉपियाँ लिख देते हैं जी, हम लोगों ने 100 कॉपियाँ ख़रीदी हैं। पेजेस कितने हैं जी इस बुक के? पेजेस इसके लिखने पड़ेंगे 390, चलो हम पेजेस लिख देते हैं। ISBN नंबर क्या है इसका? ISBN नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ISBN नंबर यहाँ पर आप लोगों को लाजमी तौर पर डालना होगा, क्योंकि इसी से हम इसको सर्च भी कर सकेंगे दोबारा, ठीक है। तो ये 13 नंबर पर जो है वो मुश्तमिल होता है, ISBN नंबर जो है वो 13 नंबर पर मुश्तमिल होता है। हम जस्ट यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नंबर लिख देते हैं, 1396 97, ठीक है, 2246537 7, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कोई भी ISBN नंबर लिख दिया। कीवर्ड अगर यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो कीवर्ड क्या लिखना पसंद करेंगे, यानी कि आपकी बुक किस हवाले से है, किस सब्जेक्ट्स के हवाले से है, कीवर्ड के हवाले से कीवर्ड में कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस भी लिख सकते हैं आप कीवर्ड्स के अंदर, या आप लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं, या इंफॉर्मेशन साइंस लिख सकते हैं। चलो हम लोग इंफॉर्मेशन साइंस लिख देते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस हम लोगों ने लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है जी? सब्जेक्ट के अंदर आप लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे कि आपका सब्जेक्ट इससे किस चीज़ से रिलेट करता है। तो जाहिर है लाइब्रेरी साइंस से खुद एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट है और ये इन्फॉर्मेशन का भी सब्जेक्ट है। तो अभी तक इस बात का नहीं पता चल सका है, या इस बात का अभी तक नहीं पता चलाया जा सकता कि ये इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है या मैनेजमेंट के अंदर आता है या लाइब्रेरी साइंस से खुद अपने आप में एक मज़मून है। तो ये साइंस में भी नहीं आ रहा, आर्ट्स में भी नहीं आ रहा, ये मैनेजमेंट में भी नहीं आ रहा। तो मैनेजमेंट फिलहाल हम लोग इसको सब्जेक्ट को जो है वो लाइब्रेरी साइंस ही लिखेंगे कि लाइब्रेरी साइंस में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखने के बाद ये देखें सारी डेटा एंट्री जितनी भी है यहाँ पे फिल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे DDC नंबर सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है चीज़, वो आपका DDC नंबर होता है या एक्सेशन नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर होता है, बुक का नाम होता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ऑथर, बुक का नाम, DDC नंबर, एक्सेशन नंबर, या फिर के ISBN नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हम इसको इंटर कर देंगे, इंटर का बटन दबाएंगे तो ये इंटर हो जाएगा। तो इंटर हो जाने के बाद आप दोबारा से देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पर 020.92 यहाँ पे आ गया, पब्लिशर माइट पब्लिशर इस्लामाबाद, सब्जेक्ट टाइटल, यहाँ पर बहुत कुछ सारा कुछ सामने आ गया कि ये क्या क्या है, क्या इसके अंदर नहीं है, तो पेजेस कितने हैं क्या नहीं है। यहाँ पर देखें लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट मैंने दिया था, तो ये आपके पास एक डेटा आपका बन गया। ठीक है, ये एक्सेशन नंबर भी आ गया यहाँ पर,
तो ये इजी है बहुत ही, आप इसी तरह से तमाम बुक्स की एंट्री कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को सर्च करना सिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग एक बुक को सर्च कर सकते हैं, यानी कि ये जो बुक मैंने इस वक्त इंटर की है कि इसको हम किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इस पर हम सर्च कर पाएंगे इस चीज़ को। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें पता चल सके और हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए रोज़ाना ला सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, खुदा निगहबान।